गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन नाउन सिंगुलर प्लूरल। आज हम आपका नाउन का सिंगुलर प्लूरल एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। एंड व्हाट इज सिंगुलर प्लूरल? देयर आर टू नंबर्स इन नाउन्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगुलर एंड सेकंड इज कॉल्ड प्लूरल। यानी कि व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स अ वन पर्सन, अ वन प्लेस, अ वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एंड व्हेन इट डिनोट्स अ वन और टू मोर पर्सन और प्लेसेस इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे जो कि एक चीज को डिफाइन करते हैं वो हमारे सिंगुलर नंबर में आते हैं, और जो एक से ज्यादा चीजों को डिफाइन करते हैं वो हमारे प्लूरल नंबर में आते हैं। तो पहले हम बेटा इसमें लिखेंगे नाउन किस के नंबर्स कितने होते हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। नाउन हमारे नाउन की डेफिनेशन में आपको पहले प्रीवियस आपके चैप्टर्स में करवा दिए ना। फिर हमारे टू टाइप्स हैं कि नंबर्स होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगुलर, सेकंड इज कॉल्ड प्लूरल। आप एज इट इज अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं देखिए ध्यान से। सिंगुलर नाउन मीन्स व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स एक ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो कि केवल एक पर्सन, ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। अ नाउन दैट इंडिकेट्स a noun that indicates only one person, place, thing or element is called singular noun। क्या कहलाता है वो? हमारा singular noun कहलाता है। a singular noun। Example, when we write box, this indicates only one box। अगर आप केवल box लिख रहे हैं तो वो केवल एक box को define करेगा, वो ज्यादा box को, that part is related to singular noun। ये सब हमारे किसमें क्या आते हैं? हमारे singular noun। When we write any animal name, tiger, तो ये क्या है? ये हमारे सिंगुलर नंबर में आया कि हमें एक ही टाइगर के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह अगर हम यू लिखे मैन, यानी एक आदमी के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आप वन लिखे या ना लिखे, लेकिन आपको ये पता है कि मैन के बारे में, एक मैन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इज कॉमन मैन के बारे में बात करें। फिर अगर ये और सी अगर आपके एग्जाम्पल प्लेस के बारे में कर रहे हैं, एरिया, सिटी, तो हमें पता है सिटी एक सिटी। फिर सिटी हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा प्लूरल नंबर। तो ये है हमारे सिंगुलर, सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। फर्स्ट इज बॉक्स, सेकंड इज टाइगर, थर्ड इज मैन, फोर्थ इज सिटी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगुलर नंबर। देन आई विल डिफाइन व्हाट इज प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के बारे में हम देखेंगे बेटा। फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल नाउन। व्हाट इज प्लूरल नाउन? A noun that indicates one more person, place, thing, animals, that is called plural noun। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे नाउन शब्द जो कि एक से अधिक लोगों को, एक से अधिक चीजों को, एक से अधिक एनिमल्स को, एक से अधिक थिंग्स को के बारे में डिफाइन करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं plural noun। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, पहले हम लिख लेंगे इसको, a noun than one
person, place, animals or thing is called plural noun. एक और कॉमन चीज आपने देखी होगी बेटा, ये सारे नाम ही तो हैं, ये सारे नाम ही हैं। नाम को भी बताया गया वो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कैसे होते हैं, जब हम किसी एक चीज को बोलते हैं। प्लूरल कब हो जाते हैं, जब एक से अधिक जितनी नाम आपको अगर लिखाते हैं। एग्जांपल्स देखिए, प्लूरल नंबर का अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। बॉक्स का हो जाएगा हमारा प्लूरल में बॉक्सेस, ठीक। फिर टाइगर्स का हो जाएगा हमारा टाइगर्स। नेक्स्ट हम लिखे तो मैन का मैन हो जाता है। सिटी इज चेंज इनटू सिटी एटसेट्रा। तो ये है हमारे सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि इसमें हमें ये पता चलता है इन नाउन से सिंगुलर प्लूरल नाउन से दिस इज इंडिकेट ओनली वन पर्सन प्लेस और थिंग। दिस एंड दिस वर्ड इंडिकेट्स टू मोर देन वन वन पर्सन, यानी कि ये एक से अधिक से डिनोट करते हैं। ये थी हमारी बेटा फेयर कॉपी, एज इट इज आप इसको वर्क करिएगा। ये हमारे सिंगुलर प्लूरल की एक डेफिनेशन भी थी और आपको इसको आप पढ़े हो इजी लैंग्वेज में दिखाई गई है। इसको सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ये डेफिनेशन एग्जाम या टेस्ट में नहीं आती है, सिर्फ इसलिए इसको लिखा रहता है ताकि आप लास्ट टाइम कभी भी रिवाइज करें तो आप उसको अच्छे से क्लियर हो। तो ये हमारी थी हमारी सिंगुलर प्लूरल की। ये अब कुछ रूल्स हैं बेटा सिंगुलर प्लूरल के, वो भी हम लिखवाना चाहेंगे आपको कि कैसे हम सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में या प्लूरल में सिंगुलर से चेंज करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, आप आपको इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। जितना भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं ये सारा वर्क आपको भी फेयर कॉपी में ही करना है। देखिए क्या रूल्स हैं, कुछ नाउंस क्या होते हैं। सम नाउंस, देखिए कुछ नाउंस एंड होते हैं हमारे एफ या एफ ई से, ठीक है। सम नाउंस एंड विद F और F E, ठीक है। कुछ नाम हमारे क्या है F और F E से चेंज होते हैं, तो इसमें हम S और E S नहीं ऐड करते हैं। तो इट इज चेंज इनटू, अब F और F E किसमें चेंज होता है ये ध्यान रखने वाली चीज है, इट इज चेंज इनटू B E S, ठीक है। ये हमारा चेंज होता है बी ई एस में। एग्जाम्पल्स हम आपके लिए नहीं, जैसे एग्जाम्पल्स देखिए नाइफ, क्या बोलेंगे इसको नाइफ। ये है हमारा सिंगुलर, ध्यान रखिएगा बेटा ये है हमारा सिंगुलर नाउन। फिर इसको अगर हम प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन में चेंज कर रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पर एफ यूज किया गया है। इट इज चेंज व्हेन इट इज चेंज इन टू प्लूरल नंबर, इट इज चेंज K-N-I-V-E-S, knives. क्या हो जाएगा हमारा K-N-I-V-E-S, knives. फिर अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका बुल, तो केवल F आ रहा है, इट इज चेंज इनटू W-O-L-V-E-S, wolves. तो इसमें किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, wolves में ये चीज चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ध्यान से ध्यान रखिएगा बेटा। एक और अगर एग्जाम्पल लेते हैं आपका बेटा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लीव, सभी को पता है लीव इज पत्नी, ठीक है। व्हेन इट इज चेंज इनटू प्लूरल नंबर, इट इज चेंज इन एल ई ए वी ई एस। तो आपने ये देखा वी ई एस वी ई एस वी ई एस सब में ऐड होता है, किसके लिए है, एफ की जगह या फिर एफ ई की। दीज आर द सम रूल्स एंड वन मोर रूल आर रिलेटेड टू योर सिंगुलर प्लूरल। कुछ और भी रूल्स हैं, व्हेन द सम नाउंस एंड विद सम nouns and with y, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ nouns जो हमारे y से end होते हैं, then it is change into y। देखिए कैसे words होते हैं हमारे baby है ना, फिर होता है हमारा cry, इस तरह के बहुत सारे words होते हैं जो कि y से end होते हैं। तो हम y के लिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, तो इट इज चेंज इनटू आई ई एस, तो ये चेंज होता है हमारा आई ई एस में। एग्जांपल देखिए
देखिए बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेबी, बहुत वर्ड यूज करते हैं आप इसको। अब ज्यादा बेबीज के बारे में बात करें तो भाई का तो हटाकर हम क्या करेंगे, बेबीज। ठीक, आप इस रूल को ध्यान रखेंगे तो कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप किसी को ही आराम से चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल सिटी, तो सिटी को हमें इससे ज्यादा बेहतर लिखना होता है तो हम लिखते हैं सिटीज। तो दीज आर द एग्जाम्पल एंड दीज आर द सम रूल्स रिलेटेड टू सिंगुलर और प्लुरल। If you have any conclusion, kindly ask on your WhatsApp. Thank you, class.